नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज आपके लिए लेके आया हूं इतिहास की एक नई कड़ी। पिछले अध्याय में अपने यहां तक पढ़ लिया था कि शेखा जी जो थे 16 साल के हो चुके थे और अपने राज्य प्रसार के लिए एक से बढ़ के एक युक्तियां लगा रहे थे। शेखा जी ने अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखी तो चारों तरफ अलग अलग शासन कायम थे, जैसे रेवासा और कासली के ऊपर चंदेल शासकों का अधिकार था, पूर्वोत्तर में यादव टाक और चौहानों के ठिकाने थे, पूर्वोत्तर कोण के अंदर सांकला राजपूत थे। सांकला राजपूतों का प्रशासन नागरचोल के नाम से प्रसिद्ध था, जिसके ऊपर शेखा जी ने पहला अभियान शुरू किया। इसी दौरान शेखा जी ने पहला आक्रमण सांकलाओं पे करते हुए सांकलाओं के धीरे धीरे करके एक 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 सारे ठिकाने जीत लिए। ये सारे ठिकाने जीतने के बाद में सारे सांकला तिलमिला गए थे। उसके बाद में उन्होंने शेखा जी ने एकमात्र ठिकाना सांकलाओं का छोड़ रखा था, वो था नोपा जी का, जिसका असली नाम नरपाल सिंह था, ठाकुर नरपाल सिंह। उनका ठिकाना उन्होंने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि वो रिश्ते में शेखा जी के मौसा लगते थे। और जब सांकला राजपूतों ने नोपा जी को भड़काया शेखा जी के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो नोपा जी आवेश में आ गए और उन्होंने शेखा जी को एक धमकी भरा पत्र लिख डाला। और ये धमकी भरे पत्र में उन्होंने लाइनें लिखी, जानजा जान न आजे शेखा, जानजा जान न आजे शेखा, ओ छे साई वाड़, ओ नोपो हरी राम जी को देसी तने बिगाड़। इनका मतलब है कि गांव का नाम जानजा था नोपा जी के का, इसलिए नोपा जी ने लिखा है कि जानजा जान न आजे शेखा, ओ छे साई वाड़, ओ नोपो हरी राम जी को देसी तने बिगाड़। मतलब वो धमकी भरा पत्र ये था कि जानजा जान करके इधर मता ना, कि सांखला राजपूतों में जानजा बोले आराम से तू जीत लेगा, ऐसा नहीं है बोले। ये भी नोपा बोले इधर हरी राम जी का है जो शासन कर रहा है, वो बोले तेरे को 2 मिनट में बता देगा। ये धमकी भरा पत्र जब शेखा जी के संदेशवाहक को मिला, वो ला करके गढ़ के अंदर समाचार सुनाए। शेखा और उनके सामंती सरदार तिलमिला उठे, आक्रोश में आ गए और बोले महाराज अब तो युद्ध करना बनता है अपना। इतना सुन करके शेखा जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसे करते करते एक संदेशवाहक भिजवाया और आक्रमण की तैयारी कर दी। और ये सांखला राजपूतों पर जब आक्रमण हुआ तो नोपाराम जी ने अपने घोड़े से इतनी मार काट मचाई पूछो मत, जबरदस्त युद्ध हुआ। लेकिन शेखा जी ने जब ये देखा कि नोपा जी बहुत जबरदस्त युद्ध कर रहे हैं और युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय शेखा जी ने अपना घोड़ा नोपा जी की तरफ लेके गए और वहाँ पे युद्ध करना शुरू किया। अब नोपा जी को और गुस्सा आ गया कि अपन इनकी सेना जितनी ख़त्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा सेना ये अपनी ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद में आमने सामने युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर नोपा जी वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार शेखा जी का एकमात्र बचे गांव, जो नोपा जी का गांव बचा हुआ था जांजा, आज के अजीतगढ़ शाहपुरा के पास है ये गांव, जिसके खंडित खंडहर आज भी वहां पे विद्यमान है, उस गांव के ऊपर शेखा जी का अधिकार हो गया। और इस प्रकार शेखा जी ने अपने राज्य प्रसार का पहला अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान में उनको कुछ धन भी हाथ लगा सांकला राजपूतों का। उसके बाद उन्होंने अमृतसर के अंदर शेखागढ़ का निर्माण करवाना उचित समझा, जिसको आज के सिकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और उस गांव का नाम अमृतसर इसलिए भी रखा गया क्योंकि वो अमरा गुजर दाबाई की डाणी थी, जिसके ऊपर शेखा जी ने गढ़ बनाया आज। और अमरा गुजर की जो माँ थी वो शेखा जी की दायमा रह चुकी थी, और अपनी दायमा को उचित सम्मान देने के लिए शेखा जी ने उस गांव का नाम अमृतसर रख दिया और वहां पे जो गढ़ बनाया वो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अमृतसर एक तालाब हुआ करता था जिसका पानी 12 महीने कभी भी नहीं सूखता था, वो वहां की लोकल जनता की प्यास बुझाने के लिए काम में आता था, और उस तालाब के नाम पर उन्होंने उस गाँव का नाम अमृतसर रखा। तकरीबन विक्रमी संवत 1502 के आसपास का ये कालक्रम था। और वो जब सिकरगढ़ का निर्माण हुआ तो शेखा जी की जो टाकरानी थी, जिनसे टकने शेखावत माने जाते हैं निकले हुए, वो अपनी माँ के नाम से, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम दुर्गा जी था, और दुर्गा जी के जो वंशज है वही आज टकने शेखावत कहलाते हैं।
इनके ठिकाने आज भी शेखावाटी में विद्यमान है। ये हम आगे जाकर के दुर्गा जी के बारे में और भी पढ़ेंगे, उनका विस्तृत इतिहास पढ़ेंगे। दुर्गा जी को शेखावतों का भीषम पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने राज्य का त्याग कर दिया था, इसलिए शेखावतों का भीषम भी कहते हैं। इनके बारे में और भी आगे जानकारी पढ़ेंगे। इन्होंने मानगढ़ धाम को अपना नाम धाम बनाया, जो आज भी विद्यमान है शेखावाटी के अंदर। तो उनसे टकने शेखावत निकले, वो टाकरानी ने सिकरगढ़ के अंदर जगजीत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, जिसको जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और शेखा जी का जो पहला अभियान था वो सफलतापूर्वक रहा। उसके बाद शेखा जी ने 360 गांवों की जागीरी के साथ में अपना शासन करना आरंभ किया। और ये उस समय शेखावाटी के सबसे ज़्यादा ठिकानों के विजेता थे, और इन्होंने ही अमरसर नामक गांव बसाया, जिसके बाद इनके जीते हुए जितने भी गांव और ठिकाने थे वो सब शेखावाटी कहलाए। और एक सीधे तौर पे देखा जाए तो इनको ही शेखावाटी का संस्थापक माना जाता है। इनके ही नाम पे, शेखा जी के नाम पे ही शेखावाटी नाम रखा गया, जिसमें आज भी सीकर, चूरू, झुंझुनू जो शेखावाटी रीजन में आता है वहाँ पे शेखावत सरदार निवास करते हैं, और वही शेखावाटी रीजन कहलाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शेखावत सरदार सब जगह विद्यमान है। धीरे धीरे उनका प्रसार होता गया, कुछ ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से, जैसे जैसे लोकतंत्र आया उसके बाद उन्होंने अपना माइग्रेशन होना चालू कर दिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे शेखा जी के अन्य युद्ध अभियान। अन्य युद्ध अभियानों में बहुत सारे युद्ध अभियान आएंगे, उनके अंदर उनकी आमेर से लड़ाई आएंगी, और आमेर से लड़ाई के बाद उनकी जो संधि होंगी वो संधि के बारे में पढ़ेंगे। आमेर से लड़ाई के बाद में उन्होंने गुजरों को हराया, टाक, यादव, इन सब को हराया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के भाग में इतना ही पढ़ेंगे, अगले भाग में अपन शेखा जी के दूसरे युद्ध अभियान के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे शेखावाटी के। तब तक के लिए नमस्कार। आप ये किस्से शेखावाटी के सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पाठशाला 24 पे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दोस्त आनंद जो आपको सुनाता रहेगा शेखावाटी के नए नए किस्से। अभी मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, फेसबुक पे भी मैंने एक सीरीज चला रखी है किस्सा कुछ अनसुना के नाम से। आप लोग वहाँ भी आकर के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। सब लोगों का धन्यवाद। जय माता जी की। थैंक यू दोस्तों।